गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की मिशन मैथ्स की आपकी क्लास 10th की वर्कशीट, जो कि 26 सितंबर 2022 की है। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द टीचर आप लिख लेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे है, मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का ही करवाऊँगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के का वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में, और हमारी कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट करती है। दोनों इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट करती है। कोइंसिडेंट लाइन का हमारे पास कंडीशन क्या होती है, a1 / a2 जो हमारा होता है वो इक्वल होता है b1 / b2 के, और इक्वल होता है c1 / c2 के। अब ये तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में, पर ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। cx + ky माइनस का 16 है तो प्लस का 16 इक्वल में 0। ये हो गया हमारा इतना। अब हमें देखना है 3 और 6, 3/6 हो जाएगा a1 / a2। इक्वल है हमारा वाई के साथ कुछ नहीं तो 1, और के बाय यानी 1/k हो जाएगा। इक्वल होना चाहिए c1 / c2 यानी 8/16 के। तो ये यहाँ आप देखिए, यहाँ पे प्लस का 16 है धरा के, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 16। 3 1 3 और 3 2 6, तो ये 1/2 हो गया इक्वल में 1/k, और ये 8 1 8, 8 2 16, तो ये भी 1/k। अब आप देखिए, ये दोनों इक्वल हैं, यानी a1 / a2 हमारा c1 / c2 के इक्वल है, तो वो b1 / b2 के भी इक्वल होगा। अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए आप इतना लिख लेंगे। अब हम आगे करते हैं। आगे हमारा यहाँ तक आ गया था 1/2 = 1/k = 1/2। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, के की वैल्यू निकालेंगे। के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, के आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट, हमें बस के की वैल्यू निकालनी थी। और इसमें आप लिखेंगे अनेक हल हैं। कोइंसिडेंट लाइन में हमारे अनेक हल होते हैं, तो अनेक हल हैं। और के का मान हमारा 2 है। और आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, इन्फिनाइटी मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइटी मैनी सॉल्यूशन, और के की वैल्यू आपकी हमारी 2 है। आप इसे कर लेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइज़।